गोरखपुर से लौट रहे पूर्व बीसीसीआई प्रेसिडेंट एवं हिमाचल हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर का हरैया विधानसभा के विधायक अजय सिंह द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित भाजपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत श्री ठाकुर ने लोगों के साथ सेल्फी ली। मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची हुई थी। प्रेस वार्ता में श्री ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार तो 2 सीटें मिल गई थी, लेकिन प्रियंका जी थोड़ी मेहनत और कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार उत्तर प्रदेश में शायद ही आपकी 1 सीट आ पाए। राहुल गांधी अमेठी की सीट भी नहीं जीत पाएंगे, हम लिख कर दे देंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और उस पे निर्णय आता है। दूसरा, इसी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद ये एक फर्जी तरीके से जिस तरह से यूपीए 2 के कार्यकाल में गठित, आप देखिए यूपीए 1 और यूपीए 2 में समझौता एक्सप्रेस और साबरमती एक्सप्रेस जिस तरह से उसका पर्दाफाश अब हुआ है, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है कि हिंदुओं को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये भावनाओं से खेलना जानते हैं, ये जाति और धर्म के नाम पर बांटना कांग्रेस जानती है। हम सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। लेकिन अध्यादेश तो आया नहीं, अध्यादेश भी आ सकता था। मुझे लगता है आपको इस पर अध्ययन करना चाहिए, अध्यादेश से क्या होगा। प्रियंका जी ने कहा है कि 10,000 करोड़ अभी किसानों का बकाया है यूपी के, और ये सरकार कहती है कि हम किसानों के हैं, कैसी है? प्रियंका जी, आपने बहुत पिछली बार मेहनत की, तब जाकर आपके परिवार के 2 लोगों को 2 सीटें मिल पाई उत्तर प्रदेश में। आप इस बार थोड़ी और मेहनत कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश में शायद ही आपकी 1 सीट आ पाए। क्योंकि जब आपको विषय का ज्ञान ना हो और आपको डर सता रहा हो कि पंजाब में आप कर्जा माफ नहीं किसानों का कर पाए, कर्नाटक में नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों ने आत्महत्या तक कर ली, और जब आपकी यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार में आप किसानों को लाभ नहीं दे पाए, मोदी सरकार की समय दूध के उत्पादन में 50% वृद्धि, मछुआरों के लिए 43% वृद्धि, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया 1 साल में 12.5 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 का सीधा जाएगा। पहली किस्त 2,000 की आनी शुरू हो गई और कांग्रेस की जमीन खिसकनी शुरू हो गई। आप जो 3 स्टेट अभी पीछे हारे थे इसके पहले, उसका कुछ मूल कारण पार्टी ने मंथन करके क्या आप वो क्या क्या क्या, क्या कारण रहा? हर राज्य में पहले जो चुनाव हुआ, हर राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, हमारी 0.5% वोट ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हम 3-4 सीटों से चुनाव हारे, सरकार नहीं बना पाए। राजस्थान में इतने बड़े राजस्थान जहां नोटा इतनी भारी संख्या में था, उसके बावजूद हम बहुत कम अंतर से हारे। और इस बार आप देखिएगा इतना बड़ा फर्क आपको दिखेगा, जहां हमने मध्य प्रदेश में 29 में 27 सीटें जीती थी, राजस्थान में से पहले 25 की 25 जीते बाद में कुछ हारे, इस बार का रिजल्ट भी बहुत शानदार रहेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा बहुमत के साथ देश में सरकार बनाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कड़े और बड़े निर्णय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, ये देश की जनता ने देखा है। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने, इस साल 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पूर्वांचल की सभा में सीटें अपनी पार्टी ने लोकसभा 2014 में जीती थी, आपके सांसदों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया, खास करके मैं बस्ती की बात करूँ, मैं रहने वाला हूँ, जहाँ तक सांसद हरीश द्विवेदी जी रहे, और विकास से लेकर के जनता के बीच में रहने से लेकर इसके बाद भी यहाँ तमाम बात चर्चा है, 2-3 महीने टिकट कट रहा है, क्या मेरिट आप कैसे बनाते हैं, क्या इसका जब भी चुनाव ऐसी चर्चाएं क्यों आती है? जब भी चुनाव आता है जी, अगर मेरे संसदीय क्षेत्र से मेरा अकेला नाम था, किसी ने कोई टिकट नहीं मांगा जी, फिर भी मीडिया के मित्र लिखते थे अनुराग का टिकट तय, बाकियों को भी करनी चाहिए उम्मीदवारी, जहां कोई करता नहीं वहां उम्मीदवार पेश करते हैं। चुनाव के समय इस तरह की खबरें चलती रहती हैं,
हरीश जी ने संगठन से लेकर संसद तक वो शानदार काम किया है कि किसी भी जनता को अपने प्रतिनिधि पर गर्व होना चाहिए। पार्टी सदन की भूमिका और इनकी समाज में पैठ को लेकर जीत की कितनी संभावना है वो सबको देखती है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है उस कसौटी पर भाई हरीश जी खड़े होंगे। पार्टी के जो कभी सितारे हुआ करते थे, आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी हो, आज उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, कोई टिकट नहीं दिया गया, क्यों ऐसा? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अटल जी आडवाणी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है, मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर बाकी वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्रा जी से लेकर बाकियों की बहुत बड़ी भूमिका है, उत्तराखंड में चाहे खंडूरी जी हो कोश्यारी जी बहुत बड़ी भूमिका है, हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी से लेकर शांता कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। समय के साथ साथ जब भारत इतना युवा देश गिना जा रहा है, देश में युवाओं की तादाद 65% हुई है, तो निश्चित तौर पर समय के साथ साथ बदलाव होते हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं और पार्टी में अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। इनको क्षेत्रीय दल गठबंधन करके आए हैं, जिनके लिए आपकी पार्टी कोई खास रणनीति कैसे, जो यहाँ की जातिगत रणनीति होती है यहाँ की राजनीति में, उसके लिए कुछ आप लोगों ने कौन सा फार्मूला तैयार किया है? देखिए तो महागठबंधन 72 सीटों में कितनी ले जाएंगे? महागठबंधन बनने से पहले पहले टाइटल पेश हो गया। कल तक राहुल गांधी जी, जिन मायावती जी और ममता जी की बहन और दीदी की बात करते नहीं थकते थे, आज दोनों ने हाथ का हाथ नहीं सांभा। कांग्रेस को कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा और सपा बसपा के टिकट बंटवारे के बाद आपके सामने हालात नजर आएंगे। और आज मैं आपके सामने कहकर जा रहा, बस्ती जीतने के बाद, उत्तर प्रदेश जीतने के बाद मैं फिर वापस आपके बीच में आऊंगा। हम पहले से ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। राहुल गांधी जी अमेठी भी नहीं जीत पाएंगे, आज लिख कर ले लीजिए। और यही नहीं, ये जो बुआ भतीजे की जोड़ी है, ये चुनाव से पहले जो हालत हुई है, हम 50% से ज्यादा वोट जनता के आशीर्वाद से लेंगे और हिंदुस्तान को और आगे मोदी और योगी की जोड़ी लेकर जाएगी। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, राष्ट्रवाद या विकास? हमारे लिए विकास सदा मुद्दा रहा है। अगर हमने 35 करोड़ लोगों के खाते खोले, 22 करोड़ लोगों को 12 रुपए में सुरक्षा बीमा करवाया, 12.5 करोड़ किसानों को 75,000 करोड़ देके 6,000 रुपया खाते में डलवाया और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में करवाया, 2 करोड़ पक्के मकान दिए, 8 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिए, 10 करोड़ शौचालय बनाकर दिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 45 करोड़ गरीब मजदूरों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन का लाभ हमारी सरकार देने जा रही है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है, दुनिया के पहले 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम आया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जहां एक और हम अपने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुशासन युक्त सरकार की बात करेंगे, तो दूसरी ओर आतंकवाद के खिलाफ कड़े निर्णय लेने वाले, कड़े कदम उठाने वाले, आतंकवादियों को घर में मार गिराने वाले नरेंद्र मोदी जी के इस लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे। सवाल तो इस पे भी खड़े हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक है। राहुल गांधी जी जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत के टुकड़े हो बार बार के नारे लगते हैं, अफजल जो संसद पर हमला करता है उसको शहीद बनाने वाले प्रोग्राम में, याकूब मेरे मुंबई बम धमाकों में जो आतंकवादी कहा गया उसको शहीद बताने वाले कार्यक्रम में उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि तुम एक अफसर मारोगे हम घर घर से अफसर लाएंगे, तो हम जैसे राष्ट्रवादी कहते हैं तुम जितने अफसर लाओगे हम उतने अफसर मार गिराएंगे। तो देश की जनता को तय करना है कि जो बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों पर रोने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी गए, ये उनके साथ जाएंगे कि इंस्पेक्टर MC शर्मा जो शहीद हुए उनके घर पे जो हम जैसे लोग गए हमारे साथ आएंगे। लोग तय करते हैं, देश के टुकड़े कोई नहीं देखना चाहता। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान जाकर कहते हैं मोदी को हराने के लिए आपका सहयोग चाहिए,
हम भारत के लोगों से कहते हैं भारत को मजबूत करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अर्थव्यवस्था में तो सुधार वाले बेरोजगारी के आंकड़े आप नहीं सामने लेते, 15 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, एक के बाद दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा। अच्छा है, मैं आपका बहुत धन्यवाद दूं, आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 14 करोड़ जो कर्जे लोगों को कर्जे दिए गए 7 लाख करोड़ के, ये स्वरोजगार है, कारोबार के अवसर है। ईपीएफओ ने जो नया आंकड़ा दिया 76 लाख लोगों को तो पिछले साल में नौकरियां मिली, ये केवल ईपीएफओ का आंकड़ा है, स्वरोजगार के आंकड़े कई गुना ज्यादा बड़े हैं। दुनिया भर के लोगों ने कहा है कि भारत में कमाल का काम हुआ है और आगे भी होगा, इसलिए देश का नौजवान नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा। एक खबर आपने कल सुनी होगी, सपना चौधरी कांग्रेस ज्वाइन की और डिफेंस के बारे में, आज वो बैकफुट पे आ गई, टीवी पे खंडन हो गया।